दीपिका के घर आई नन्ही परिया। दीपिका की सासू माँ की खुशी। सीरियल में आया लीप। स्टार प्लस के सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ में भले ही दीपिका और चिराग जुदा हो गए हों, लेकिन उन्हें जोड़ने की कड़ियां आ चुकी है, जो कि है ये जुड़वा बच्चियां। जी हाँ, दीपिका ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है और ये बात सुनकर नए नए दादा दादी बने चिराग के मम्मी पापा काफी खुश हैं। और ऐसे में चिराग की मम्मी को सूझ गया है आइडिया दीपिका और चिराग को फिर से मिलाने का। अब उसने ठान लिया है कि एक बच्ची दीपिका के पास रहेगी तो दूसरी चिराग के पास। बस हमारी दीपिका और बच्चा दोनों ठीक हो। काश चिराग भी यहाँ होता तो। दीपिका ठीक है? उसे कोई खतरा तो नहीं है? और बच्चा? Congratulations, आप लोग दादा दादी बन गए। दीपिका और दोनों बच्चियां बिल्कुल ठीक हैं। दोनों बच्चे? दोनों बच्चियां? जी हाँ, आपको दो पोतियां हैं। What? दो पोतियां? Congratulations. Thank you. अरे अगर एक नहीं दो तो लक्ष्मी जी आएंगी, हम तो धन्य हो गए। ठाकुर जी ने हमें दुगनी खुशी दी है लावण्या। ये तो ठाकुर जी का ही संकेत है। उन्होंने ये चमत्कार करके पति पत्नी को फिर से मिलाने का एक और मौका दिया। हाँ, क्या मतलब? आज हमने चिराग को दिखाना तो हमें लगा उसके फ्यूचर में सिर्फ विनाश है, लेकिन ठाकुर जी ने आशा की एक किरण नहीं दो दो किरणें दी है। बच्चा पति पत्नी को जोड़ के रखने की कड़ी होता है, लेकिन हमारे पास तो दो दो कड़ियां हैं, एक चिराग की और एक दीपिका की, है ना? चिराग मंदिर में पूजा कर रहा है। ऐसे में चिराग की मम्मी एक बच्ची वहां छोड़ आएगी, जिसे देखकर चिराग तो काफी खुश होगा और उसे संभालेगा भी। तो यहां अपनी दूसरी बच्ची को देख देख कर दीपिका भी काफी खुश हो रही है। भाई अब बच्चियां तो आ गई हैं, अब देखना होगा कि इनकी वजह से कैसे चिराग और दीपिका फिर से एक होते हैं। बिटिया रानी को जन्म देने के बाद अब दीपिका घर लौट आई है और जरा देखिए तो कैसे हुआ उसका स्वागत। तो बेसिकली कल हमने सीन किया था जिसमें मैं हॉस्पिटल में ही रहती हूँ और सिस्टर लड्डू को लाके मेरी गोदी में रखती हैं एंड मैं उसको खिला रही होती हूँ, तब मुझे किसी दूसरे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और हॉस्पिटल में इतने सारे बच्चे होते हैं बेसिकली मैटरनिटी वार्ड पे, तो बट वो बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे बहुत चुभती है और फिर मैं उठ के जाती हूँ देखने के लिए और फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा मेरे लिए रो रहा है। उसके बाद से मैं इग्नोर करती हूँ, मैं अंदर आ जाती हूँ। तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर इज़ कि लावण्या जी जो है माँ, वो एक बच्ची को मुझसे दूर लेकर गई हैं अपने घर पे चिराग के पास में। उनको ऐसा लगता है कि दोनों बच्ची को सेपरेट करके हम माँ बाप को एक साथ ला सकते हैं, तो वो ये थिंकिंग के साथ चल रही है। तो एक बच्ची जा चुकी है, मुझे आइडिया भी नहीं कि मेरी दो बच्चियाँ हुई हैं अभी तक, और पता नहीं कब तक नहीं पता चलने वाला है मुझे। और ये सीन हुआ, उसके बाद से माँ ने जिन सिस्टर ने मेरी डिलीवरी कराई, हेल्प की जिसने डिलीवरी में, उनको सारी अरेंजमेंट्स करके दी कि इसको अपने घर पे रखो, इसकी जितनी भी सेवा सत्कार है सब करना और बाकी सारी चीज़ें वो हैंडल करेंगी खुद से।
तो मैं इनके घर पे आती हूँ, शिवानी दीदी के घर पे आती हूँ, यहाँ पे आती हूँ, तो इन्होंने बहुत प्यारा डेकोरेशन वगैरह करा रखा है। फिर मेरे को छोटा सा ड्रीम कट आता है कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है लड्डू खिलाने के लिए। फिर मैं उस ड्रीम से बाहर आती हूँ और बस अभी सेटल डाउन ही हो रही होती, उतने में बलदेव भैया आते हैं बच्ची के लिए ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स लेकर, तो वो भी बहुत एक हार्ट टचिंग मोमेंट रहता है। तो बस इतने छोटे छोटे से सीन्स के हमने। एक प्यारा सा ख्वाब है, हकीकत नहीं, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही दीपिका का ये सपना पूरा हो। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। इस नॉन स्टॉप पार्टी की तरह हम लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।